मिला है। लोग कहते हैं पैसे से अगर वीडियो बनाती हैं और ये फोटो क्लिक करवाती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसान पैसों पे ही बिक रहा है। अगर मान लीजिए अगर लड़के वीडियो नहीं सब्सक्राइब करेंगे या शेयर नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो फिर आप नहीं पहुंच पाओगे। हर लड़की के अंदर एटीट्यूड रहता है, हर लड़की सोचती है वो मुझसे आगे ना निकले, इतना तो हमें भी पता है। तो अब बहुत भीड़ लग जाती है, गाड़ी गाड़ी पे गाड़ी आ जाती है, तो जेंट्स लोग आते हैं, लड़के लोग आते हैं तो हमें अब पसंद नहीं है आना, और हमारा सर दर्द होने लगता है। और वो लोग आते हैं, बोलते हैं बाहर जाके कि हमें पानी को नहीं पूछे, ये खाने को नहीं पूछे, हम ऐसे ही बैठे थे गर्मी में, तो बोल रही थी कि हमें ये सब पसंद नहीं है, हम कितने लोगों को पानी देते रहेंगे। आजकल चाहे वो गांव की लड़की हो या शहर की लड़की हो, वैसा ही रंग रूप आ जाता है, वो चाहे जो हो। इतना तो देख लिया, आज की डेट में कोई किसी का नहीं चाहता कि हम बस हम ये सोच रहे थे हमें उनके लिए कुछ नहीं लेके जाना है, मम्मी के लिए लेके जाना है, इसलिए क्योंकि देखिए मेन वही होती हैं, बच्चे उन्हीं के थ्रू निकलते हैं, बच्चे चाहे जितना आगे निकल जाए माँ बाप के बिना आगे नहीं निकल। वहाँ पे पहुँचे थे आप लोग? हम लोग सुबह ही पहुँच गए थे, हम कितने बजे था, 9 बजे पहुँच गए थे हम, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए थे, तो दिल्ली से कानपुर आए, कानपुर से फिर फफून गए, फफून से फिर शिवानी के घर गए, और ये उम्मीद करके गए थे हम फोटो या वीडियो बनाने नहीं गए थे, हम गए थे जैसे कैसे क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग कभी वीडियो या कभी यूट्यूब या रील्स वगैरह कुछ नहीं बनाया था, तो थोड़ा सा हम सोचे थे वो गाइड कर दे कैसे क्या, ये चीज़ के लिए पूछने गए थे। तो उनका नेचर मुझे पहले तो सही था, लेकिन फिर भी हम गए थे तो हमें बहुत वेट करना पड़ा, तब अंदर से बाहर आई। अच्छा पहले ये बताइए आप, जैसे आपने जैसे आप उनके घर पे गए, गांव में गए, तो आपने सबसे पहले क्या देखा और कुन्हें देखा और किससे क्या बात हुई आपकी? हम गए रोड पे, गए रोड पे, सबसे पहले तो हम स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से हमें पता ही नहीं था कहाँ जाना है। अच्छा, तो हम स्टेशन में ही पूछे हैं शिवानी कुमारी का घर कहाँ है, तो कोई नहीं बता रहा था। जब हमने कहा जो फेमस है रॉक वो स्टार बन गई है टिकटॉक से, निकले कोई नहीं, दुकान वाले बताए, तो स्टेशन के बाहर जब निकले तभी पूछे थे, तो वो फिर बताएं अरियाली गाँव, तो फिर वहाँ गए, वहाँ से फिर हम लोग और रोड पे ही पूछे कि कहाँ शिवानी का घर पड़ता है, तो एक आंटी थी वो बोली शिवानी का घर आगे स्कूल के पीछे पड़ता है, तो वो आंटी कुछ देर बाद फिर वहीं शिवानी के घर पे वही आंटी मिली थी मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ तो घर गए, घर से फिर हमको आंटी मिली, उसकी मम्मी शिवानी की मम्मी मिली थी, नमस्ते वमस्ते किए थे, फिर उसके बाद वो तो बोली बैठ जाओ बेटा, उनका नेचर सही था उनकी मम्मी का। हाँ, मम्मी अच्छा, उनकी मम्मी ये बोले कि बैठ जाओ और सब कुछ, मतलब आपको उनका नेचर कुछ ठीक लगा? अच्छा। हाँ, दीदी लोग भी ठीक थी, लेकिन मुझे शिवानी का कम नेचर अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से हम ये नहीं कह रहे सब। और जैसे मतलब आप गए उनके घर पे, और जैसे आप उनके लिए क्या ले गए थे, आप कुछ बता सकते हो? हाँ, लेके तो गए थे हम, उनके लिए नहीं लेके गए थे, उनकी मम्मी के लिए लेके गए थे हम, साड़ी लेके गए थे उनकी मम्मी के लिए। अच्छा, साड़ी भी बहुत अच्छी लगी उनकी मम्मी को, बस हम ये सोच रहे थे हमें उनके लिए कुछ नहीं लेके जाना है, मम्मी के लिए लेके जाना है, इसलिए क्योंकि देखिए मेन वही होती हैं, बच्चे उन्हीं के थ्रू निकलते हैं, बच्चे चाहे जितना आगे निकल जाए माँ बाप के बिना आगे नहीं निकल सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो भी रहा हो, कैसे भी करियर हुआ हो, लेकिन माँ बाप बिना सपोर्ट कोई नहीं आगे निकल पाता है, वो पढ़ाई में हो या हर चीज़ में, ये चीज़ था, इसी वजह से उनकी मम्मी के लिए हम लेके गए थे। ये लगा कि देखिए हम इसलिए गए थे उनके पास, बहुत सारे यूट्यूबर हैं या बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं दिल्ली में रहते हैं, मिलने को तो मिल सकते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे थे हम भी बिलोंग करते हैं कानपुर की तरफ से ही, लेकिन रहते भले नोएडा या दिल्ली में हैं, हम सोचे थे अपने इलाके के लोग हैं और आप मतलब समझ सकते हैं वो बात को, लड़की वो भी है हम भी हैं, और हर चीज़ इंसान समझता है कि चलो गाँव मतलब गाँव से हैं तो थोड़ा नेचर ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, हम इस वजह से गए थे थोड़ा नेचर अच्छा होगा और ये, और बाहर की लड़कियों को तो आपको पता है थोड़ा सा नेचर क्या होता है, हाई फाई में रहना सब कुछ। अब भाई बहुत लोग देखिए बहुत लोग होते हैं मिलने के लिए कोशिश करते हैं, हम सोचे थे मिल भी लेंगे और थोड़ा बातें भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं, बहुत देर तक रुके थे हम, इसी वजह से रुके थे कैसे क्या है माहौल, कैसे क्या है, जब धीरे धीरे देखने लगे तो मुझे ऐसा लग रहा था आजकल चाहे वो गाँव की लड़की हो या शहर की लड़की हो, वैसा रंग रूप आ जाता है, वो चाहे जो हो। इतना तो देख लिया, आज की डेट में कोई किसी का नहीं चाहता कि हमसे आगे बढ़े। और उनकी जब दीदी मिली थी तो दीदी उनकी बोल रही थी कि यहाँ पे अब बहुत भीड़ लग जाती है, गाड़ी गाड़ी पे गाड़ी आ जाती है, तो जेंट्स लोग आते हैं, लड़के लोग आते तो हमें अब पसंद नहीं है आना, और हमारा सर दर्द होने लगता है। और वो लोग आते हैं, बोलते हैं बाहर जाके कि हमें पानी को नहीं पूछे, ये खाने को नहीं पूछे, हम ऐसे ही बैठे थे गर्मी में, तो बोल रही थी कि हमें ये सब पसंद नहीं है, हम कितने लोगों को पानी देते रहेंगे, और ऐसे सब बोल रही थी, कह रही थी हमें पसंद नहीं है, जब पसंद नहीं है तो आप लोग एड्रेस भी मत बताइए, लोकेशन मत अपना बताइए, तो लोग नहीं आ पाएंगे।
लोगों का क्या, अब लोग आते हैं तो अब उन्हें पसंद नहीं है, उनका सर दर्द होने लगता है नाश्ता पानी कराते कराते। तो वो कह रहे थे लड़के को अच्छा नहीं लगता है, लड़के आते ठीक है, अब फिर इतने में आप लोग कह रहे हो लड़के नहीं आना चाहिए, तो फिर वही हिसाब से मैनेज करिए ना आप लोग कैसे क्या है। फिर मान लीजिए तो सभी देखते हैं, लड़के भी देखते हैं। हाँ वीडियो तो अगर मान लीजिए अगर लड़के वीडियो नहीं सब्सक्राइब करेंगे या शेयर नहीं करेंगे कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं पहुँच पाओगे। हर लड़की के अंदर एटीट्यूड रहता है, हर लड़की सोचती है वो मुझसे आगे ना निकले, इतना तो हमें भी पता है। तो लड़की लड़की अगर करेंगी ना तो वो नहीं निकल पाएगा कोई भी इंसान, खासकर लड़के ही सपोर्ट करते हैं तभी लड़कियाँ निकल पाती हैं, लड़की हो या लड़का हो सभी लोग निकल पाते हैं। आज हम ये बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है हर इंसान ये चीज़ को सोचता है लेकिन बोल नहीं पाता है, लड़के ही सपोर्ट करते हैं तभी लड़कियां आगे निकल पाती हैं, वो चाहे जैसी लड़कियां हों चाहे जैसे हों, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते ये भी सोच लीजिएगा। चैनल बनाए ना बहुत लोग बोले हैं शिवानी के बारे में, तो काफ़ी लोग बनाए हैं वीडियो, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है बनाने का कि हम उनको गाली दे रहे हैं या उनको हम कुछ बोल रहे हैं, बस यही है। मिला है लोग कहते हैं पैसे से अगर वीडियो बनाती हैं और ये फोटो क्लिक करवाती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसान पैसों पे ही बिक